सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे और आगे भी ऐसे बढ़िया रहना। और चैनल पे नहीं आया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे नोटिस नगर एफसी के रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। जो कि अभी तो नोटिस नगर एफसी ने बहुत सारे प्लेयर को साइन कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह नहीं किया। सुनने में आया है कि नोटिस नगर एफसी ने बहुत सारे प्लेयर को साइन किया है, मैंने आप लोगों को बोला ही, और जुलाई के फर्स्ट वीक में सारे के सारे प्लेयर का अनाउंसमेंट वगैरह नोटिस नगर एफसी मैनेजमेंट शायद से कर देंगी, ऐसा अभी के समय में सुनने में आया है। लेकिन अभी एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आए है कि नोटिस नगर एफसी ने साइन कर लिया है फारूक सदरी, जो कि एक राइट विंगर है, जो पहले तो जमशेदपुर एफसी की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए खेल सकेंगे। मतलब ये भी एक र्यूमर ही है, पर एक और प्लेयर को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी साइन कर लेगा, जो कि त्राव एफसी के पहले तो खेल चुका है त्राव एफसी के लिए, उसका नाम है बोंठालोंग समथिंग। सो ये भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए अगले साल खेलने के लिए देख सकता है। सो ये भी एक रूमर ही है, अभी तो ये डांडिल दिखा रहा है, लेकिन क्या होता है देखने लायक यही बार होगी। सो देख सकता है। उसके बाद आप लोगों को बोल दूँ, एक नॉर्थ ईस्ट एफसी एक विंगर के साथ बातचीत चल रही है, फॉरेन विंगर, उसका नाम है कैल्विन आर्स, जो कि बुंडेसलीगा हो गया, बेल्जियम के टॉप टायर लीग में खेल चुका है, वो प्लेयर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में शायद से साइन होगा, लेकिन ये भी एक रूमर ही है। तो तीनों अपडेट को आप लोग रूमर समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पेज से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुआ है। सो देखते हैं क्या होता है। और फारूक चौधरी भी एक अच्छे प्लेयर है, और जो सामते नाम के जो प्लेयर है वो भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और विंगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में ज्वाइन कर लेंगे तो कैसा होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और विंगर साइड से साइन करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, सेंटर फॉरवर्ड ही करना चाहिए, तभी विंगर को स्ट्राइकर खिलाना पड़ेगा, लेकिन स्ट्राइकर को साइन करके स्ट्राइकर ही खिलाओ, ऐसा मेरे हिसाब से मानना है। तो क्या है आज के लिए इतना ही था। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।